केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो सॉलिड होते हैं और लिक्विड होते हैं उनका एक्टिव मास वन नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या, जैसे CaCO3 से CO प्लस CO2 लिखते हैं तो Kc = CO2 लिखते हैं केवल। उसका कारण ये नहीं है कि ये दोनों वन हो गए, CaCO3 और CO, इसका कारण है ये कांस्टेंट हो गए। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc या Kp या Kx कोई भी होगा, वो केवल टेम्परेचर से उसकी वैल्यू चेंज होती है, प्रेशर, कंसंट्रेशन या वॉल्यूम से नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ना ही कैटलिस्ट इसकी वैल्यू को अफेक्ट करता है। तीसरा पॉइंट, जो आपका कैटलिस्ट होता है वो किसी भी तरह से आपकी रिएक्शन को फास्ट करा देता है, टाइम को कम कर देता है, ठीक है, वो डेल्टा एच पे अफेक्ट नहीं डालता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैटलिस्ट के यूज़ करने पर वही रहता है जो पहले था, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन के चेंज करने पे भी वही रहता है, केवल टेम्परेचर से चेंज होता है, ठीक है। चौथी बात, जब हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, जिससे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड चेंज होते हैं, के इक्विलिब्रियम चेंज कभी भी नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए केसी को देखने के, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अभी मैं दे रहा हूँ बेटा आपको। सेकंड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारा होता है उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, रिएक्टेंट कम होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमारा कम होता है तो हमारा प्रोडक्ट कम बनेगा और जो दिया हुआ रिएक्टेंट है वो अपने आप में स्टेबल होगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑक्साइड है A2O3 से हम A+O बनाना चाहते हैं, तो अगर K की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो टूट जाएगा, और K की वैल्यू अगर कम होगी तो वो नहीं टूटेगा, अपने आप में स्टेबल रहेगा। जिसका K ज़्यादा होता है उसका रिएक्शन ईजीली कंप्लीट मानी जाती है, मतलब K ज़्यादा होगा तो रिएक्शन को हम ये मान लेंगे पूरा हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब दो रिएक्शंस को हम आपस में जोड़ते हैं और तीसरी बनाते हैं इक्विलिब्रियम की, तो वो K1 × K2 हो जाया करते हैं, ठीक है। और अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर के की पावर में चला जाता है। इन चीज़ों को नोट्सों में एक बार देख लीजिएगा। थर्ड, ली चेटलर प्रिंसिपल, अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर हम उधर की ओर जाते हैं जो उसके रिवर्स डायरेक्शन है, जहां हम चेंज कर रहे हैं उससे सेकंड टाइप। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हम उधर जाते हैं जहां पर गैसियस मोल्स कम है, जैसे PCl5 से PCl3 और Cl2 है, तो प्रेशर बढ़ाने से हम PCl5 की तरफ को भागते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होती है, जिसमें हम एनर्जी दे रहे हैं, जैसे ∆H = +Q दिखाया हुआ हो, ठीक है, वो फेवर होती है, साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है, एक्सोथर्मिक फेवर नहीं होती है। इनर्ट गैस अगर हमारे पास में है, नॉन रिएक्टिव गैस, अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर डाली जा रही है तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब क्लोज कंटेनर अगर है, और अगर ओपन कंटेनर है, पिस्टन मूवेबल है, ऊपर नीचे पिस्टन जा रही है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट जिसे बोलते हैं और वॉल्यूम चेंज हो सकता है पिस्टन ऊपर नीचे, तो उसमें अल्फा हमारा चेंज होता है, मतलब ये है कि अगर हम उसके अंदर अपना इनर्ट गैस को डालते हैं, ठीक है, और डेल्टा एन जी गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट ज़ीरो हैं, मतलब जैसे H2 + I2 + 2HI, तो अगर हम इसको देखते हैं तो डेल्टा एन जी कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो डेल्टा एन जी जीरो होने पे चाहे पिस्टन ओपन हो, वॉल्यूम बंद हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर पिस्टन ओपन है और हमने इनर्ट गैस को एंटर कराया है तो हमारा ऐसे होता है जैसे पिस्टन ऊपर की ओर मूव कर रही है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसका अपना प्रेशर कम हो रहा है। जैसे अगर PCl5, PCl3, Cl2 बना रहा है और उसके अंदर हमने पिस्टन को ओपन छोड़ दिया है, मतलब मूवेबल है, प्रेशर ऊपर की ओर कॉन्स्टेंट है, तो इनर्ट गैस डालने पर ऐसा महसूस होगा जैसे कि हम कम प्रेशर की तरफ को जा रहे हैं, मतलब
राइट साइड को जाएगी, अल्फा इंक्रीज होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रेशर कांस्टेंट होने पर, इनर्ट गैस डालने पर हम उधर जाते हैं जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। जब भी अल्फा का क्वेश्चन आएगा तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम प्रेशर चेंज करें, वॉल्यूम चेंज करें, कंसंट्रेशन चेंज करें, आपका केपी और केसी कभी भी चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू वही रहती है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बहुत आता है, आपको मिलेगा कई जगह पर, लेकिन अल्फा चेंज होता है, अल्फा चेंज होता है। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पर हमारा उधर की ओर जाते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, जैसे पी सी एल फाइव से पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू, तो लेफ्ट साइड अल्फा डिक्रीज होगा। ठीक है, हम इस तरह से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये हमारा किसके लिए हुआ करता है? ये हमारे पास में ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? अल्फा इज इक्वल टू होता है डी माइनस डी अपॉन एन माइनस वन इंटू स्मॉल डी। तो कैपिटल डी क्या है? रिएक्टेंट, जैसे पी सी एल फाइव दिया तो उसका वेपर डेंसिटी कैसे निकलता है? मोलिकुलर वेट बाई टू। और स्मॉल डी हमारे पास में क्या? मिक्सचर का, ये दिया होगा। कैपिटल डी तो हमें देखना है पी सी एल फाइव का एम बाई टू करके, और स्मॉल डी हमें डाटा में दिया होगा। एन क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास में कितने हैं यहाँ पर? टू हैं, ये हमारे पास में हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। जब हम इसके ग्राफ को खींचते हैं, सपोज करिए पी सी एल फाइव से पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू का एक ग्राफ है, ठीक है, अगर हमारे पास में ये ग्राफ है, तो ऐसे ग्राफ को खींचते समय हम लोग क्या रखते हैं कि आपका एन इज इक्वल टू, जैसे आपने टू रखा तो क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस वन, या वन प्लस अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी बाय डी। तो कैपिटल डी बाय डी, ठीक है, इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा जो है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का बन गया। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का बन गया, इसको खींचा जा सकता है। डी वाई डी को वाई मान लीजिए, अल्फा को एक्स मान लीजिए, दैट्स द आंसर। फिफ्थ में मैं आपको बताना चाहूँगा के पी के बारे में। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है। यहाँ पर आर टी को हम एक से ज़्यादा मानते हैं, बड़ा मानते हैं, तो के पी अपॉन के सी इज इक्वल टू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, तो अगर हमारा डेल्टा एन जी एक है तो ये आर टी हो जाएगा, एक से ज़्यादा है तो के पी के सी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, के पी में हम पार्शल प्रेशर्स को लेकर चलते हैं। इसके बारे में थोड़ा और डिटेलिंग के लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराऊंगा फर्दर फ्यूचर जल्दी। मैं अभी चाहता हूं कि अभी आपका सारा कुछ कवर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है? ग्राफ की जब बात आती है तो कंसंट्रेशन के जो ग्राफ हैं वो एक दूसरे को क्रॉस भी कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पे, एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर सकते और बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन रेट के ग्राफ में अगर हम बात करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड हमेशा इक्वल होगा, जैसा कि मैंने ग्राफ्स में दे रखा है। पहला ग्राफ हमारा क्या है? रेट इक्वल कर रखा है, उस जगह पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा ग्राफ जो है वो कंसंट्रेशन है, वो इक्वल भी हो सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। आई होप तुमने इस चीज़ को अगर देख लिया हो, समझ लिया हो, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। आई हैव डन माई प्रॉमिस, मैंने अपना प्रॉमिस भी अपना पूरा किया बेटा। अब आपकी बारी है, आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना है, आपको पढ़ाई करते रहना है और सिलेक्शन लेना है। बहुत अच्छा करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।